नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हमारे साथ हैं धीरेंद्र पुंडीर, वरिष्ठ पत्रकार। लंबे समय तक टेलीविजन में समय दिया है उन्होंने और आज अभी सिलीगुड़ी में हैं और दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक आज पूरी थकाऊ दिन रहा है उनका। लेकिन हमने चाहा कि ये विश्लेषण जो पांचवें फेज से पहले जो पूरा सरकमस्टांस बदल रहा है, पूरी जो स्थिति बदल रही है, उन पे धीरेंद्र भाई से उनका अनुभव साझा किया जाए कि बंगाल में इस दौर में क्या कुछ बदलते हुए देखा है। तो कुछ सवाल ऑडियो लीक के बारे में भी होगा और इस पांचवें फेज के कई सारे समीकरण कैसे बदले हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। धीरेंद्र भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थकावट तो बहुत ज्यादा नमस्कार लग जी। आज आज काफी लंबा रहा दिन। मुझे लगता है सुबह से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो ये दिन काफी लंबा हो गया मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, आप होगी और हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमको इसको साथ ही जीना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। और पांचवें फेज के चुनाव के पहले आप क्या कुछ देख रहे हैं धीरेंद्र भाई? चौथे फेज से पांचवें फेज में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है और पीएम ने 4 फेज में ही कह दिया कि हम 100 सीट जीत चुके हैं, अभी लगभग 154-155 सीट संभवतः बाकी है चुनाव के। जी बीजेपी का दावा अपने जगह, दूसरी तरफ इस पांचवें फेज से पहले बहुत कुछ बदल गया। देश एकाएक कोरोनामय हो गया, उसके बाद ये आरोप लगने लगा कि बंगाल में चुनाव क्यों जरूरी है, 4 दिन पहले तक ये सब चीजें नहीं थी। सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश आपके माध्यम से करते हैं कि ऐसा क्या हो गया चौथे फेज से पांचवें फेज के बीच, देश इतना कैसे बदल गया? देखिए, एक चीज हमको माननी होगी मनीष जी, ये बात सही है कि हर चीज का फायदा इस समय देश में राजनीति उठा रही है, चाहे वो विपक्ष हो, फिर चाहे सत्ता पक्ष भी उसमें कभी कभी इस्तेमाल करता है। लेकिन विपक्ष ने तो एक ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का परिचय दिया। हालांकि आप ये बात सोचेंगे, जब हम ये बात कर रहे होंगे तो बहुत सारे आपके जो प्रिय मित्र होंगे, जिनका आप खैराती जो गैंग है वो, या तमाम चीजें, वो ये कहेंगे कि सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछे जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जहां विपक्षी पार्टियां हैं, जहां वहां जब वैक्सीन आई तो उस समय क्या हुआ, जब वैक्सीन आ रही थी तो वो मोदी वैक्सीन किसने कही, तमाम चीजें, मतलब लॉकडाउन जब पहले हुआ तो याद कीजिए, कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी गई, ये सब कर दिया गया, कोई दूसरे मींस थे। अब दूसरे ही राज्य, वो तमाम राज्य अब इस पर बैन लगाने की, उस पर लॉकडाउन की मांग कर रहे, मतलब इतने खतरनाक, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जिसने रेटल कर दिया हो, अमेरिका जैसे देश में 5 लाख लाशें देकर जो गया हो, इतने सारे खतरनाक, उसके बावजूद आपके यहाँ उसके साथ मजाक होता रहा। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस हमाम में हैं और उन लोगों ने इसको पूरा मजाक बना के रख दिया। साइंस और डॉक्टरों दोनों का मजाक उड़ते हुए मैंने देखा। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि इसके मायने क्या होते हैं, और ये देश अपनी आंख से देख रहा है कि राजनेताओं को कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि साइंस, ज्योतिष या उस तरह का नजूमी नुमा कोई खेल नहीं है, ये कुछ फैक्ट्स पर होता है। अगर आप देखेंगे तो इस समय पूरे देश में, क्योंकि ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि आप एग्जेजरेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो शमशान में लाशें हैं, जो कब्रिस्तान में लाशें हैं, उन सबको क्या कहा जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि अचानक किसी और दूसरी चीज से मरने लगी है, कोरोना से है? हाँ, यहाँ उसकी आड़ में फिर वही राजनीति शुरू हो गई, जिस राजनीति से मुक्ति के लिए 8 फेज का ये चुनाव बनाया गया था। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग को किस तरह करना चाहिए था। मनीष जी, मुझे लगता है कि आपने भी ये बात सोची होगी कि यहाँ से कई रिपोर्टर्स भी कोरोना होके दिल्ली में है। मेरे खुद के सहयोगी, मेरा बहुत ही अच्छा मित्र, और मेरा, मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे बातचीत करते हुए मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उस पर बात करूंगा तो मैं आगे बात नहीं कर पाऊंगा। वो भी हॉस्पिटल में है, यहीं से गया, मेरा सहयोगी मेरी कंपनी में, तो ऐसे बहुत सारे लोग लगातार फैल रहे हैं। तो ये कोरोना तो है, लेकिन इसका जो भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, वो लोगों की लाशों से खेल रहे हैं, वो लोगों को भीड़ में उस समय, वो तमाम समर्थकों की भीड़ जो अपने नेताओं के लिए सब कुछ निछावर कर रही है, लेकिन नेता उनके प्रति जरा सी जिम्मेदारी का भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी रैली में, आपने मंच से ये नहीं सुना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो किसी दूसरे देश की चिड़िया का नाम है, लेकिन मास्क भी लगाने की कोई अपील मैंने वहां से नहीं सुनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें राजनीति अपना एक रोल प्ले कर रही है। मनीष, ये बात बिल्कुल सही है,
कि वो लोग इसको इसके बहाने उन तमाम कमियों को छुपाना चाहते हैं जिसके चलते चुनाव, बंगाल के चुनाव की मैं खास तरह से बात कर रहा हूँ कि बंगाल के चुनाव में ही हिंसा का बोलबाला है। बंगाल के चुनाव में ही किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के ऊपर आरोप लगाना सबसे आसान है। बंगाल में ही तमाम चीजें इस तरह की गई जो कि देश के सेंटर को एकदम दुश्मन के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरे राज्यों का कोई भी नागरिक यहाँ के लिए बहिरागत हो रहा है। इस तरह की चीजें बंगाल में ही होते हुए देख रहे हैं, तो हमको ये भी देखना था कि बंगाल में इस तरह की राजनीति की जा रही है। धीरेन्द्र भाई, अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक निजी चैनल पर ममता बनर्जी का आया, और पांचवें फेज से, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि पांचवें फेज में ऐसा क्या हो गया, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ज्यादातर टीवी चैनलों ने सिर्फ ये दिखाया कि वो कह रही हैं कि पांचवें फेज के बाद जो छठा, सातवां और आठवां फेज है उसे एक साथ किया जाना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने मूल बात ये कही कि कोरोना जो फैलाया है वो बाहर के लोगों ने फैलाया, वो इशारा प्रधानमंत्री को बाहरी कह रही हैं, वो अमित शाह को बाहरी कह रही हैं, वो जेपी नड्डा को बाहरी कह रही हैं, और सबसे हट करके वो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान के लिए कह रहे हैं कि बाहर से आए, और पूरी तरह से उन्होंने थोप दिया कि बंगाल में जो कोरोना आया है वो बाहरी लोगों ने फैलाया है। इसे कैसे देखा जाए? देखिए, इस पूरे, अगर मैं पूरे चुनाव को एक पूरे फेज को देखता हूँ, पहले 4 फेज और उससे पहले जब मैं यहाँ आया था चुनाव के होने से पहले, मतलब लगभग फरवरी के, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की जिस तरह से एक सेंट्रल, हम लोग एक लीडरशिप से उम्मीद करते हैं, उस तरह की लीडरशिप दिखाने में वो नाकाम अब इस समय साबित हुई है। वो हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने जो वामपंथियों का जो एक चुनाव में जीत के लिए विपक्षों के ऊपर जिस तरह का एक अंकुश लगाना है, मतलब उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को बाधित कर या बिल्कुल दमित कर उसका इस्तेमाल करने का जो एक सिस्टम वामपंथ ने यहाँ डेवलप किया था, उसको उन्होंने और शार्पन किया, और उसके बाद वो इस तरह के लेवल पर चली गई कि उनको ये यकीन होने लगा कि वो सर्वशक्तिशाली हैं, पूरा बंगाल उनके पैर के नीचे होना चाहिए और पूरे बंगाल पर वो शासन करें। लेकिन जब अचानक उनको लगा कि यहाँ 2019 का ये खेल हुआ, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि उन्होंने राजनीतिक समन्वय और राजनीतिक जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, उसको उन्होंने खोया है। और उसके बाद जिस तरह का उन्होंने बिहेव शुरू किया, वो लगता है कि जैसे वो बंगाल को एक अलग ही नक्षत्र का मान रही है, उनको भारत के से कोई रिश्ता दिखता नहीं है। वो 50 बार इसको कहती हैं और आप लगातार उलझे हुए देखते हैं। मतलब एक एक पॉलिटिशियंस या कोई भी जो रणनीति होती है मनीष जी, उसमें एक निरंतरता दिखती है, और आपको किसी भी चीज में, हम लोग इवन लोग किसी भी, जब कोई भी पजल्स भी देखते हैं, तो उसमें एक मेथड होता है, उसमें एक सिस्टम होता है और उसमें एक फॉर्मूला होता है। लेकिन जब आप ममता बनर्जी के बयानों को अगर सिलसिलेवार रख कर देखते हैं, सिलसिलेवार सुनते हैं, तो आपको लगेगा जैसे उनके बयानों का एक का दूसरे से रिश्ता नहीं, दूसरे का तीसरे से रिश्ता नहीं, और तीसरा पांचवे से कहीं मिलता नहीं। तो इसका मतलब ये लगता है कि उन्होंने उस संतुलन को न केवल खोया है, बल्कि इस समय वो जिस तरह के बयान दे रही है, जिस तरह की राजनीति कर रही है, वो इमोशनल राजनीति में वहां तक जाने की कोशिश है जहां के बाद आप उसको और फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने लगते हैं। मुझे लगता है कि वो उस तरफ बढ़ रही हैं। अगर आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और इन तमाम लोगों को, मैं इन शब्दों को सोच भी नहीं सकता कि आप क्या कहने जा रही हैं, आप क्या नुकसान करने जा रही हैं। आप इस ऐसे राज्य में, जिस राज्य में हिंसा का एक इतिहास रहा हो, उस राज्य में जिसने 1905 का डिवीजन झेला हो, उस राज्य में जिसने 1943 का अकाल झेला हो, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर मर गए थे, लोग अपने लोग इंसानों का मांस उबाल कर खाने लगे थे, आप वो हैं जिसने 1947 का डिवीजन देखा और उससे पहले भी 1947 का डिवीजन देश के सीमावर्ती राज्यों ने देखा, लेकिन आपने तो 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे देखा जिसमें लाखों लाशें आपको सड़कों पर, एक दिन में 10,000 लाशें, 5 से 10,000 लाशों का अलग अलग इंडिपेंडेंट वो आता है आकलन, उस दिन आपने खुद यहाँ देखा, उस नंगे नाच को देखा आपने जो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यहाँ किया था। इसके बाद फिर आपने 1963-62-63 में जब कश्मीर में मुकद्दस गायब हुआ, उसके बाद जो बांग्लादेश में उनके साथ किया गया, उसको झेला क्योंकि वो भीड़ यहाँ आई। उसके बाद 1971 का वो नरसंहार झेले आपने, इस राज्य की ज्यादातर आबादी उससे प्रभावित हुई, जिसके चलते वहां से यहाँ लाखों करोड़ों लोग पहुंचे और भारत का एक सिस्टम चरमरा गया।
आपने उसके बाद फिर कई राज्य 77 के बाद का, 67 का नक्सलबाड़ी देखा, उसके बाद 77 के बाद का एक ऐसा शासन देखा जिसमें स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं थे। अगर आपके पास कोई विरोधी जो सामने वाले का, जो सत्ता में बैठे हुए आदमी के विचार के साथ झुकता नहीं है, तो फिर आपको जिस तरह की यहाँ हत्याएं हुई, आप 1084 की माँ लिखते हैं, आप मृत्यु पथ क्या नहीं है मेरा देश, नवारुण भट्टाचार्य की कविता मुझे आज भी याद है। लेकिन आप उसके बावजूद उस राज्य में जहाँ ये बैलेंस, जहाँ ये इतिहास हो, आप वहां किस तरह की भावना लेकर जा रही हैं? आप क्या उनको मैसेज देना चाहती हैं कि वो CISF पर हमला करें, वो CRPF पर हमला करें, और उस हमले का अंजाम क्या हो, और उस अंजाम से जो उपजे उसकी सहानुभूति फिर आपको सत्ता पर बैठा दे। और आपने इसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम, चूंकि मैं हमेशा ये सोचता रहा हूँ मनीष, कि किस तरह से ये सिस्टम हमेशा वर्क करता है, क्यों ये सिस्टम टूटता नहीं है, क्योंकि इसमें शेयरेबल होता है, यानी आप शेयर करते हैं सत्ता और लूट को, शेयर करने का जो एक परिमाण होता है उसमें फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। उस तरह की चीजें मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा हो गई हैं। यही वजह है कि आप फेडरल के हर एक स्ट्रक्चर को तोड़ रही हैं, और आपको सहायता देने के लिए ऐसे लोग हैं जो विचारधारा से विरोध करते करते देश विरोध तक की सीमा तक पहुंचे लोग हैं, जो व्यक्ति से विरोध करते करते देश को तोड़ने की तक हद तक आ सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कहाँ उनकी वैचारिक या राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है या देश की स्वतंत्रता का मसला शुरू होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद है इस राजनीति को, मैं यही देख रहा हूँ कि वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने, कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जी मनीष, धीरेन्द्र भाई आपने बहुत विस्तार से बहुत बारीक चीज बताया था। मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि धीरेन्द्र पुंडीर को आप उनके अनुभवों को सुनना चाहते हैं तो आप उनके उनका जो यूट्यूब चैनल है वहां जा सकते हैं, धीरेन्द्र पुंडीर के नाम से ही है, तो आप वहां से उनके अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं। धीरेन्द्र भाई आपने बहुत विस्तार से सब कुछ बताया, मगर फिर भी मुझे लगता है कि राजनीति जो है सत्ता का पाने का एक जरिया है। ममता बनर्जी कहती है कि जो खेला होवे अब वो सब कुछ सामने आ गया, लेकिन सब कुछ सामने आने के बाद भी आखिर गलती तो उन जनता का है। अब देखिए कि आज ममता बनर्जी का एक ऑडियो लीक हो गया जिसमें वो कहती हैं, वो साफ दिख रहा है कि अपने ही विधानसभा के उम्मीदवार से वो कहती है कि पार्थो उस बॉडी को अपने कब्जे में ले लो जो 4 लोग मारे गए हैं, CI और FIR जो है वकील के मदद से करो। वो कहती हैं उस ऑडियो में कि पार्थो इस बॉडी के साथ प्रोटेस्ट करना है और ये समझाना है लोगों को कि यदि बीजेपी की सरकार आ गई तो तुम सबको एक ऐसे कंडीशन में डाल दिया जाएगा कि तुम एक जेल के स्थिति में रहोगे। तो ऐसे कंडीशन में आप इस पूरी जब आप सब कुछ साथ ये हो गया है, वो ममता बनर्जी जो टोपी लगा करके घूमती थी वो अपना गोत्र बताने लगी, वो शांडिल हो गई, वो मंदिरों में दिख रहे। तो आखिर जनता ऐसे नेताओं के चरित्र को क्यों नहीं समझ पाती है? आखिर इसमें ममता बनर्जी तो मतलब इसे आप किस रूप में देखें, ममता बनर्जी तो हर हथकंडे अपनाएंगे जीत के लिए, लेकिन क्या पब्लिक तुष्टिकरण के वोट के लिए या किसी इस तरह की चीजों के, सब कुछ साफ दिख रहा है। क्या 5वें फेज में जो उनका मूल वोटर है जिसे तुष्टिकरण का वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है, इस टेप लीक से आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, मुझे इस बात पे शक है मनीष, क्योंकि जिस तरह का यहाँ ध्रुवीकरण है, जिस तरह की राजनीति यहाँ रही है, उसमें अब ममता कुछ भी कहें, आप देख रहे होंगे ममता के इन बयानों को, जो इनको मैंने आपको विस्तार से समझाया, एक राज्य ने जिसने इतनी त्रासदियां, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अभी तक इन सारी त्रासदियों का शायद ही कहीं किसी ने जिक्र किया होगा इस तरह से, क्योंकि आपके साथ हम लोग दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं, तो हम समझते हैं, बातें करते हैं उन सब चीजों की, इसीलिए मुझे लगा कि तमाम दर्शकों को भी ये बताना जरूरी था। क्योंकि आप इतनी त्रासदियों के बाद भी आपके यहाँ गरीबी और अशिक्षा, हालांकि शिक्षा में आपका शुरुआत में बहुत अच्छी रही जब आप आए, और उस सब चीजों ने आपको इतना नीचे तक लाया कि आपको तमाम पॉलिटिशियंस जो आपको राशन दे सकते हो, जो आपको बेसिक चीजें दे सकते हो, जो बेसिक नीड पहुंचा सकते हो, क्योंकि आज भी हम लोग जानते हैं भूखे पेट होइ न भजन गोपाला, हम लोग अक्सर इस बात पर करते हैं, हम लोगों के यहाँ राष्ट्र का कंसेप्ट अभी तक भूख से लड़ने का कंसेप्ट है। जब तक हम उस पर पार नहीं पा लेते, जब तक हम बेसिक एमिनिटीज नहीं दे सकते, तब तक इस तरह की राजनीति चलती और फलती फूलती रहेगी, क्योंकि उस शख्स के पास ये गौर करने का समय नहीं है कि जो भी आपने खोया, जहां भी आपने खोया,
आपने वहां क्या क्या खोया, वहां के लोग जिनको आप छोड़ आए, जहां वो लोग रह गए, जिस आबादी ट्रांसफर की बात नेहरू लियाकत समझौते में हुई थी और जिसको कभी भी फुलफिल नहीं किया गया, उस तमाम चीजों के बाद आपने उनके बाद उन लोगों के हालात देखे, इसके बावजूद भी आप उस तुष्टीकरण की राजनीति को इस देश में देख रहे हैं। आप यहाँ वर्धमान का मुझे याद है, मनीष शायद तब तक आप इस रोज की रिपोर्टिंग से अलग शायद हो गए थे, जब 2-3 साल पहले की बात है, जब एक वर्धमान में एक ऐसा शख्स पकड़ा गया, उसका नाम चूंकि मूसा शायद जहां तक है मुझे अब चूंकि वो ऑफ हैंड आपके साथ बातचीत में याद आया, आपने सवाल इस तरह का किया है तो मुझे उसमें जाना पड़ा, जिसको जो साउथ इंडिया में यहीं का शख्स जो वहां रह रहा था और वो हाथों में तलवारें लेके, 2 तलवारें खरीद चुका था स्कूटर पर, उसने एक आदमी को तैयार कर लिया था जिसमें वो स्कूटर पर दोनों तलवारें हाथ में लेकर और बाजार में सबकी गर्दनें काटते चला जाए, लोन वुल्फ के आईएसआईएस के जो कंसेप्ट है उसको वो यहाँ फॉलो करना चाहता था। आपने खागरागढ़ ब्लास्ट देखा, आपने कलियाचक घटनाएं देखी, इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी अगर राज्य की एक एक हिस्सा, चूंकि मैंने आपको उसका कारण भी बता दिया कि वो किस तरह से उस नेता के पीछे, चाहे वो कोई भी नेता, वैसे हमें देश के अलग अलग हिस्सों में उदाहरण देखने को मिलते हैं, कोई ये नया उदाहरण नहीं है, जब राष्ट्रीय आकांक्षाएं और जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जो व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं उनका कोई रिश्ता या कोई मेल बैठाने की कोशिश असफल होती है तो हमेशा राष्ट्रीय हितों की बलि दी जाती है, उस तरह आपको यहाँ साफ दिखाई देगा। ममता बनर्जी ने जिस तरह की राजनीति, ये जिस तरह का, मैं ये बयान जब मैंने सुना था, ये जब मैं ऑडियो सुन रहा था, इसको फिर मैंने मेरे साथ में मेरे ड्राइवर थे उनसे पूरी तरह शब्द बाय शब्द वर्बेटम उसको मैंने ट्रांसलेट कराया और समझा, तो मुझे लगा कि आज तक हम इस पर बात करते आए कि लोग राजनीति में लाशों पर राजनीति करते हैं, इमोशंस पर राजनीति करते हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब किसी राजनीतिज्ञ को आप ये सब करते हुए प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और मैं हैरान हूं कि क्या इस पर कोई कानून की धारा या कोई चुनाव आयोग का कोई क्लॉज बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने से और किसी भी लेवल तक गिर जाने की एक है। मैं बहुत इसलिए भी मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है मनीष, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जो शुरुआती तौर पर ममता बनर्जी की सादगी, ममता बनर्जी की जीवट और ममता बनर्जी की सत्ता के खिलाफ एक जंग का तारीफ करने वाले लोग थे, तो मुझे लगता है ये राजनीति इतनी ज्यादा नीचे उनके हिसाब से थी, वो सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी करना चाहती हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र भाई, मैं भी आप ही की तरह ममता बनर्जी के एक समय में बहुत प्रशंसक हुआ करता था। मुझे लगता था कि वो एक फाइटर हैं और अपनी ईमानदारी से वो हवाई चप्पल, वो सूती की सफेद साड़ी और त्याग की मूर्ति लगती थी। लेकिन ये सब ढकोसलापन कैसे सामने आया ये पिछले कुछ दिनों में दिखा। हमारे एक व्यूअर्स एक सवाल पूछ रहे हैं और उससे मुझे उससे मैं अपने आप को इतर नहीं कर पा रहा हूँ। कह रहे कि लाशों पर ये राजनीति एक शासक कर रहा है और वो चीजें साफ हो चुकी हुई है। वो कोरोना पे क्या राजनीति करेगा ये किशोर धांडिया जी कह रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे थे, मुझे जितना मुझे कानून की समझ है, मुझे लगता है कि धीरेन्द्र भाई ममता बनर्जी पर तो इस टेप के बाद यूएपीए एकदम से लगता है वो बनता है कानून, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो दंगा भड़काने का है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आगे क्या होता है चुनाव के बाद वो अलग चीज है, चुनाव आयोग इसे किस रूप में लेता अलग चीज है, लेकिन कानून की धरातल पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मामला है। ये चीजें मैं इससे इतर हम लोग मैं ये समझना चाहता हूं। आज मैंने जैसे आपने वो टेप देखा होगा जो क्लब हाउस ऑडियो जो खैराती पांडे जिसे मैं कहता हूं, वो चाहे वो कुछ और महिला पत्रकार जिसे जिसके लिए सामने अब चलने लगा सुसु पत्रकारिता का इजाद हुआ है, वैसे ही यूट्यूब पे कुछ पुराने पत्रकार जिन्हें आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, जो राजनीति में उतर गए थे, राज्यसभा नहीं जा पाए तो अलग अलग खिलंदर वो खेल करने लगे, उन पत्रकारों ने YouTube पे शुरू कर दिया है। 4-5 जो खलियर हो चुके पत्रकार जिन्हें निकाल दिया गया है, उन लोगों ने अब ये माहौल कल से बनाना शुरू किया है कि मंदिर इस देश में जरूरी था। आपने मंदिर के लिए सरकार बनाया तो आप अस्पताल आपको कैसे मिले। उन पत्रकारों से, ऐसे लोगों से उम्मीद कर सकते हैं आप जो 20 साल बाद भी नरेंद्र मोदी को गुजरात में घेरते हैं बिना किसी सबूत के। ये साबित करने की कोशिश किया गया कि उन्होंने कह दिया क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। उन पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी को वो घेरेंगे ऐसे में।
देखिए मनीष, इतने लंबे अरसे के बाद मैंने इन लोगों के साथ, बहुत सारे लोग जिनकी तरफ आपका इशारा है, काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल और ये दुर्भाग्य है उन तमाम दर्शकों का और हम लोगों का कि हम उस सच्चाई को कभी सामने लाने का कोई जरिया नहीं ढूंढ पाए या कभी कोशिश नहीं की कि उन लोगों का व्यक्तिगत स्तर क्या है, उन लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और उन्होंने पत्रकारिता में क्या किया है, ये पत्रकारिता में हर कोई जानता है। उन लोगों ने जिस तरह से आज जिस पत्रकारिता की दुहाई देते हुए लोग गालियां देते हैं, उस पत्रकारिता के बहुत ज्यादा बड़े जिम्मेदार वही शख्स थे जो उनको, ये जब नया मीडियम आया तो उन्होंने उसको इसलिए इस्तेमाल किया। आप उनको देखेंगे, वो अचानक किसानों के लिए जाके चाय की मशीनें बताने लगे, अचानक उन लोगों ने कुछ कुछ बताना शुरू किया। ऐसे में उनसे ये उम्मीद करना, क्योंकि उन्होंने, मनीष, इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि उन्होंने वो नरेटिव सेट कर दिए थे। जब तक आप जैसे जर्नलिस्ट आए, चूंकि आपको अपनी उम्र के हिसाब से ही आना था, तब तक उन लोगों ने उस पूरे देश को एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी की गुंजाइश देखने पर आपको भक्त कहा जाने लगा। आपको आप वो हर मुझे याद आती है एक कविता, सात्र की एक कविता, जिसमें वो कहते हैं कि जनता ने जो है बहुमत नहीं दिया, जनता ने ये किया, तो स्टालिन कहता है तो फिर क्यों न जनता को बदल दिया जाए, और हंसता है बेरिया। इस तरह से एक वो कविता थी सात्र की, उसका बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलेशन मोहन थपलियाल ने किया। क्योंकि मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो आपको मालूम है घर से बहुत दूर हूँ, वरना मैं आपको उस कविता को सुनाता पूरा। तो उसमें जिस तरह से ये लोगों ने, स्टालिन या वामपंथ ने दर्शकों को, अपने वोटरों को बदल दिया, जनता को बदल दिया, उसी तरह से ये लोग देश को बदल देते हैं जब इनकी कोई बात नहीं सुनता। ये सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं उस वक्त जब वो फैसला अगर कोई दूसरी तरफ दे दे। जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैंने देखा भी है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग अगर स्कूल जाना या अपने बच्चों के स्कूल छुड़ा के उनके पैसे जितने हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अगर उनको प्राइवेट स्कूल में विदेश में जो पढ़ने भेजा है, उन बच्चों को यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में उसमें पढ़ा दें प्राइमरी में, तो उससे भी बचत होगी। एक अलग एजेंडा है, एक अलग एजेंडा है। ये लोग बार बार मंदिर की तरफ जाते हैं क्योंकि ये उस आस्था को चोट पहुंचा देना चाहते हैं जिसको अभी तक खेलते, जिसको हमने नष्ट करते हुए इस पूरे समुदाय को देखा है। ये झूठ, और मैं बहुत कड़वा इस पर बोल सकता हूँ कि वह झूठ और मक्कार की राजनीति, मक्कारी के लिए ये लोग उन लोगों से ज्यादा खतरनाक है जो आपके सामने होते हैं, क्योंकि ये धीरे से एक समाज में जहर घोलते हैं। मंदिर को यहाँ लाके इन्होंने उन लोगों को तमाम लोगों के सामने खड़ा कर दिया जो पहले से इस देश की समरसता के दुश्मन है। समरसता एक तरफ से नहीं दी जा सकती, कभी भी आपका जो ऑडियो होगा, अगर आप ही बोलते रहेंगे और मैं नहीं बोल पाऊंगा तो ये डायलॉग नहीं कहलाएगा, लेकिन ये मोनोलॉग इनकी एक आदत है। और मुझे कभी नहीं लगता ये मैं कई बार हैरान होता हूँ, उसको दर्शक पकड़ नहीं पाते हैं, कई बार कॉमन आदमी इसको समझ नहीं पाता है कि क्यों अचानक चीन के घुस आने पर वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, वो एक आतंकी हमला होने पर खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं कि कहाँ गया वो 56 इंच का सीना। उस वक्त मैं किसी प्रधानमंत्री के, मैं किसी राजनीतिक विचारधारा, आप मुझे अच्छे से समझते हैं, मैं किसी राजनीतिक विचारधारा के साथ खड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी वो राजनीतिक लड़ाई होती है, लेकिन राष्ट्र के साथ खड़े होने के लिए मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं। और ये लोग, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इसको एक बड़ा घटिया शब्द हो सकता है बहुत सारे लोग माने, लेकिन मुझे कहने में कोई शक नहीं कि ये अपने लिए इस देश को 25 टुकड़े करने में इनको 5 सेकंड नहीं लगेंगे। अगर इनको फायदा, और इनके व्यक्तिगत जीवन की कहानियां अगर कभी इस पर आ जाए, कभी इस पर आ जाए, तो मुझे लगता है कि लोग थूकना भी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत घटिया शब्द है जो मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन मैं इस कटुता के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इनको अच्छे से समझता और जानता हूं। धीरेन भाई, मैं बहुत सालों से जानता हूं आपको, हम लोग एक दूसरे के साथ लंबा सब वक्त बिताया है, और मैं जानता हूं कि आप जितने मुखर हैं टेलीविजन में काम करते हुए, मुझे आपसे ज्यादा मुखर कोई लगा नहीं। वैसे मैं तो नौकरी करते हुए बहुत सक्रिय रहा और दांव पे अपनी नौकरी लगा दी। आप जानते होंगे कि मैंने नौकरी छोड़ करके उतर गया, यहाँ बिल्कुल सब कुछ सन्नाटा था तब भी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स आपके फैन हैं, कुछ लोग आपका ईमेल मांग रहे हैं, मैं दे दूंगा उनसे। आपने अपनी कविता की जी बात कही, मेरे व्यूअर्स आपके कविता के कुछ लोग फैन हैं,
तो मैं बताऊं कि धीरेन्द्र उन पुंडीर जी और हम लोग लंबे समय अलग अलग चैनलों में रहे, काम किया, अखबारों में काम किया है, लेकिन हम लोग इस जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि विचारधारा से कभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बाद राष्ट्र के साथ हम खड़े हैं, और हमारा उद्देश्य किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र से है। इसीलिए हमारा विरोध उनसे, आपने बहुत बारीक एक बात कही है कि ये लोग उस समय में आ गए जिस समय में टेलीविजन पे एक सेलेक्टेड कुछ चैनल था और वो स्टार बन गए। अब धीरे धीरे जब ये सड़क पे आते हैं, जब ये रोड की पत्रकारिता करते हैं, तो इनका चरित्र सामने आ जा रहा है जो आपने आपने सब हर जगह देखा है। अब इस पूरी प्रक्रिया में आपको इस फेज के बाद, पांचवें फेज के बाद, मैं ये कहूंगा कि जो बंगाल में आपने इतना घूमा है, मैं अक्सर कहता हूं, कई बार कह चुका हूं, मैं अक्सर अपनी बातों को दोहराने वाले में से हूं कि मैं कहता हूं बार बार कहने से उसका असर होता है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि परसेप्शन का पूरा खेल है धीरेन्द्र भाई, और ये लेफ्ट लिबरल गिरोह के जो लोग हैं वो हमारे दिलो दिमाग पर वो असर डाल देना चाहते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टेड लोग हैं, उन्हीं को लोग सुनते हैं। पांचवें फेज का चुनाव है। आपने पिछले इस 2 महीने में बंगाल में क्या बदलते देखा है, क्या माहौल है, माहौल क्या है? देखिए, बंगाल में मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो मनीष, 2011 से इस राज्य में आने के बाद, चुनाव को कवर करने के बाद और राजनीतिक विमर्श को देखने के बाद, मुझे लगता है कि ये पूरा इस वक्त हम एक बदला हुआ बंगाल देख रहे हैं। और यही बौखलाहट मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की होंगी, अगर मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसको देखूं। क्योंकि 2019 में, 19 तक, अगर आप दिन में 4 बाइट कोलकाता में, 4 कप पब्लिक की बाइट आपके चैनल पे मिल जाती थी, तो ये आपकी उस दिन की पूरी उपलब्धि होती थी। लोग आपसे बात नहीं करते थे। जिस अभिव्यक्ति की आजादी की बात के नाम पर दिल्ली में रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जाता है, जिस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे तमाम जीती गई जनता की द्वारा चुनी गई सरकार को आप जमीन पर मिलाने में लगे रहते हैं, उसी अभिव्यक्ति की आजादी इस बंगाल में जीभ से निकाल दी जाती थी, जीभ पकड़ कर अगर निकाल दी जाए तो वो यहाँ से गायब कर दी गई थी। आज जब आप 2021 में देखते हैं तो आपको हर चैनल पर, अब कल सुबह जब आप देखेंगे तो आपको हर चैनल पर लाइन में लगकर बोलते हुए लोग मिलेंगे। ये बंगाल के अंदर का बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चमत्कार, कि जब वो ये पहचानने लगे कि उसके लिए, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी के लिए वो लड़ सकता है और उसके लिए खड़ा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं बंगाल के लिए, हो सकता है मेरी बात से बहुत से बंगाल के दर्शक और आपके वो नाराज भी हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो इतने इंडिपेंडेंट और लिबरल होते तो 34 साल के उस जूट मकारी के बीच के शासन में, जिसमें कि आपने इतने हिंसाएं देखी, आप आए भी इसीलिए थे क्योंकि 72 से 77 के दौर के सिद्धार्थ शंकर रे के उस शासन को, उसको झेला, उसको किस तरह का वो शासन रहा होगा, कि हिंसा अत्याचार किस तरह हुआ नक्सलबाड़ी में। कल एक और इंटरेस्टिंग है कल मनीष, कि नक्सलबाड़ी में जहाँ कांग्रेस का विधायक है और राहुल गांधी जो वोट मांगने आए थे उसी नक्सलबाड़ी में, वहां उनका विधायक है, जहाँ वाम नक्सलवाद पैदा हुआ, जहाँ कानू सान्याल चारू मजूमदार की उस आग से, जिसने इस देश को अभी तक जलाया है, उसकी शुरुआत हुई वहां उसी विधानसभा में। राहुल गांधी जब वोट मांगने आए अपने उम्मीदवार के लिए, तो उनकी सभा में चे गुवेरा के झंडे लिए हुए लड़के थे, तो मैं हंस रहा था कि क्या राहुल चे गेरा राहुल के लिए भी वोट मांगेगा अगर होता है। इस तरह की चीजें मैंने वहां देखी हैं। मतलब मैं सोच के हैरान होता हूँ कि बंगाल की जनता ने उसको देखा, उस पर उनका कभी रिएक्शन नहीं हुआ, उस भद्र लोक ने कभी उसमें रिएक्शन नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि यहाँ सबसे ज्यादा रेप, महिला उत्पीड़न की घटनाओं के सबसे बड़े राज्यों में शामिल है, उनको आप भद्र लोक की आत्मा में महसूस नहीं करते हैं। ये राज्य सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रेफिकिंग जो लड़कियों की होती है उसमें शामिल है, बहुत उनमें टॉप में से, उसमें कभी दुख नहीं होता। सोना गाछी यही बाजार में है, उस पर कभी दुख नहीं होता, लेकिन उनको इस बात पर दुख होता है कि साहब हमको जो है ये हमारी अस्मिता पर चोट है, अगर कोई आदमी उस पर उंगली रख दे। तो मैं उसको बदलते हुए देख रहा हूँ, लोग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं इस राज्य की डिवीजन के बावजूद, जिस तरह का नंगा तुष्टिकरण हुआ। और कुछ राज्यों, कुछ जिलों में अगर आप चले जाएंगे, उनके कुछ ब्लॉक्स हैं जिनमें आपको माइग्रेशन दिखेगा, एक बहुसंख्यक आबादी का अपने राज्यों में, अपने देश में कितनी बार माइग्रेशन होना चाहिए, ये मुझे किसी से समझना है कि वो किसको जायज कहेंगे। खास तौर से ऐसे लोग जो दिल्ली में ड्राइंग रूम्स में बैठ के
सेकुलरिज्म के भाषण देते हैं, उनको जाकर उन दलितों की बस्तियों में देखना चाहिए जो नाम सुध राजवंशी, जो उन इलाकों में अल्पसंख्यक हैं जहाँ यही जिनको हम कानून अल्पसंख्यक कहते हैं और वो बहुसंख्यक है उनमें, उनकी जिंदगी किस तरह की है और उस पर राज्य सरकार का क्या रवैया रहा था। तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट में पांचवें फेज में एक बदलाव इसलिए है क्योंकि ये 2016 में इनमें कहीं भी बीजेपी नहीं थी, विधानसभा चुनाव की हम बात करें, लेकिन आज अगर 2019 के हिसाब से देखें तो 22 सीटों पर बीजेपी को भी बढ़ती और 23 पर टीएमसी को, जिसको कि 33 से 34 पिछली बार मिली थी जब 2016 के चुनाव की बात थी। तो वहां अगर बीजेपी खड़ी हो रही है और नक्सलबाड़ी में अगर बीजेपी लगभग 67% वोट लेती है जहां तक मुझे याद आता है 2019 में, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और यही चेंज बहुत सारे लोगों को उस हद तक ले जाने पर कर रहा है कि लोग लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यही मैं इसको इतना ही कह पाऊंगा। आपने बहुत बारीक बात कह दी और उस दुखती रग पे हाथ दिया। कई बार जो हमारे बंगाली व्यूअर्स हैं वो इस चीज से नाराज हो जाते हैं जब मैं किसी से पूछता हूं कि बंगाल में आपको भोजन में माछ भात को लेकर के, बंगाली अपनी अस्मिता से बड़ा जल्दी चोटिल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे भला भोलो मानुष कहा जाता है, जिस बंगाल के लिए आजादी की लड़ाई के समय में ये कहा गया कि बंगाल जो आज सोचता है देश कल सोचेगा, तो बंगाल ये तमाम चीजों को सोचने में इतना वक्त क्यों लगाया गया। आपने बहुत बारीक बात कही, आपने सोनागाछी से लेकर हर समस्याओं को उठाया कि बंगालियों ने इस चीज को सोचा क्यों नहीं, इतना हिंसक क्यों रहा बंगाल, इन तमाम चीजों को, जबकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। आपने एक सवाल धीरेंद्र भाई उठाया है तो मुझे जो छूट रहा था वो राहुल गांधी पे मैं आऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को आप जरा वो बात बता दीजिए कि जब आप ममता बनर्जी की चुनावी सभा में थे तो कुछ लोग आपके पास कैसे आए और क्या बोले। मैं चाहूंगा वो वाक्य आप जरूर सुना दें मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कई सारे वाक्यों की बातचीत की थी। आप मनीष किसको कह रहे हैं, मैं समझ कौन से वाले वाक्य, क्योंकि हमारी आपकी बातों में कई सारी चीजें आई। जब आप ममता बनर्जी की रैली में थे, मास्क लगाए दो लोग आपके पास आए और आपने आपसे आपके पूछा आपका नाम पूछा, उसके बाद आपसे क्या कहा आप इस शो के बारे में। देखिए, हाँ, मैं ये बता दूं कि मैं जब यहाँ था उस रैली में तो उन्होंने आकर ये पूछा जब मैं मास्क लगाए हुए था कि आपका नाम क्या धीरेंद्र पुंडीर है, तो मुझे लगा कि शायद वो किसी बहुत पुरानी रिपोर्ट्स में देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उससे पहले मैं कुछ पूछता, मैंने ये कहा हाँ मेरा नाम धीरेंद्र पुंडीर है, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको मनीष ठाकुर के शो में देखा है, और वहां से उन्होंने बातचीत की। तो मुझे लगा कि ये बहुत बेहतर बात थी कि मैं मेरे मित्र मनीष ठाकुर के उस शो से पहचाना जाऊं, ये एक अच्छी बात होती है दोस्त के लिए, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बात थी और वही हम लोगों ने बातचीत की। ऐसी बहुत सारी बातें इस दौरान हम लोगों ने देखी हैं जो ये बताती हैं कि अब एक अल्टरनेटिव मीडिया जिसमें आप जैसे लोग जो नैरेटिव को सेट किया गया उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि किरण भाई, बहुत मुझे सारी अच्छा ये बातों की। लगा था कि आपने उसी जगह से मुझे फोन किया था, ममता बनर्जी की रैली में थे आप, ममता मंच पे थी और आपने उसी जगह से फोन किया था। मुझे लगा मेरे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। सचमुच मेरे लिए सुखद है कि आप मेरे लिए बड़े भाई की तरह रहे, आप मुझसे पहले इस मीडिया में आए। एक चीज हमारे और आप में कॉमन रहा है कि हम लोग लीक से हटकर चलने वाले रहे हैं, इसीलिए हमने मेरी बॉस से कभी नहीं बन पाई, कारण जो भी रहा हो, चलिए एक लकीर खींचा, एकदम बिल्कुल सामने कुछ भी नहीं था लेकिन चीजें ठीक हो रही है। धीरेंद्र भाई, एक सवाल जो आप छोड़ गए मैं वहां आ रहा हूं। राहुल गांधी की आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होनी थी। मैंने कांग्रेस को कवर किया जब मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के आखिरी चरण में ई टीवी में था, तो मैं कांग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहा था। एक साल मुझे कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला और मैं मानता हूं कि मेरे पूरे जर्नलिज्म के करियर में वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो मैंने एक साल कांग्रेस की हार्डकोर रिपोर्टिंग की। आज कांग्रेस की पीसी होनी थी 12:30 बजे, आधा घंटे के अंदर में जो घोषणा किया गया, जो जानकारी दी गई कांग्रेस की पीसी है, उस पीसी को वापस ले लिया गया। और उसी समय पता चला कि बीके हरिप्रसाद का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में जो राहुल गांधी अब तक नहीं गए चौथे फेज तक, वो एक स्ट्रेटजी की तरह है और बंगाल की कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी लिया है। आपको लगता है कि क्या सीपीएम ने चाहा नहीं राहुल गांधी का चौथे फेज तक ना आना बंगाल में? आप इसे किस रूप में देखते हैं? यही आखिरी सवाल होगा क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। आप रात में अच्छी नींद लीजिए ताकि सुबह में आप रिपोर्टिंग करें तो फिर हम उसका अनुभव आपसे फिर साझा कर सकें।
हाँ देखिए, राहुल गांधी के आने पर मैं बहुत ज्यादा, इसलिए अभी हम लोग इस पर कल भी लंबी बातचीत करेंगे, क्योंकि तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो हो रहा है। मेरे सहयोगी भी जो साथ में है वो भी सोएंगे हम लोग। लेकिन मैं ये बता देना चाहूंगा कि राहुल गांधी 4 फेज तक इसलिए भी नहीं आए क्योंकि वो एक अजीब सी असमंजस की स्थिति में है। आपने बंगाल में अगर आके सीधी चोट सीपीएम को की है, तो फिर आप केरल में उसका क्या करेंगे? केरल में आप जिस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां आपको सत्ता में सबसे ज्यादा चांसेस हैं वापस आने के, वहां अल्टरनेट इसलिए नहीं कि आपने वहां काम किया, क्योंकि वहां की जनता की आदत है हर 5 साल में बदलती है, और आप इसी आदत के लिए उसका वहां अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपने बहुत शानदार काम कर दिए हो। लेकिन जब आप 5वें फेज में आते हैं, तो मेरे लिए हैरानी इसलिए होती है क्योंकि दोनों सभाओं में आप अगर 35-40 मिनट तक का भाषण देते हैं, तो उसमें से 38 मिनट आप मोदी की तरफ सिर्फ निशाना रखते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपकी पार्टी यहाँ टीएमसी से लड़ रही है। मोदी से तो लड़ ही रही है, मोदी से टीएमसी भी लड़ रही है और आपकी पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन आपकी उस सभाओं में चूंकि भीड़ नहीं है, वो सभा मैंने जो दूसरी सभा जिसमें मैं खुद मौजूद था, यहाँ नक्सलबाड़ी की, आधे घरे भरे हुए मैदान में आप बोलते हैं, छोटे से मैदान में, और उसमें भी आपके पास मुझे लगता है कि दर्शकों को उलझन में छोड़ के जाने के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि क्या ये ममता दीदी को समर्थन दिलाने आए हैं। क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे, ममता दीदी पर, जो उनकी पार्टियों को, जो उन्होंने आपके लोगों को जो भी उनके साथ हुआ उस सबको बताया, अगर आप उस पर नहीं बोल रहे हैं तो फिर आप किसी और पे बोल रहे हैं। जी चलिए, मनीष बहुत जी, बहुत धन्यवाद। आप आराम कीजिए, थके हुए हैं, दिन भर की थकावट है। बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल यदि समय मिला तो फिर हम लोग कल बात करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, शुभ रात्रि। शुक्रिया शुक्रिया।